घंटा ये हो मानो है, हर समय अलर्ट रहते लाटंग है। क्यों जी पंडित जी, तुम्हारी भी ड्यूटी पूरी है। मैं चैनल में भारत समाचार। अच्छा हाँ, एक हमारे एक मिलने वाले ताऊ जी अभी मूड हो गए तुम्हारे पास में। 2 लाख रुपए घटना तो जजी मिल रही है अभी, इसमें जानकारी की जा रही है और मैं घटनास्थल पर स्वयं मौके पर मौजूद हूँ। जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पहुँचा और मैंने देखा कि टैंकर को किसी छोटी गाड़ी के द्वारा रोका गया जो अपने आप में ही संदिग्ध प्रतीत होता है। अब ये क्या मामला है और ये इस तरीके की जो बातें की जा रही हैं उसकी जांच में पुलिस जाएगी और जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। खुर्जा गया था माल खाली करने, वहाँ से हमें पैसा मिला था, एक जगह 1,50,000 मिला था, एक जगह 1,42,000 रुपये मिला था। फिर यहाँ पे आया तो उन्होंने हमारे से गाड़ी ओवरटेक किया और किन्होंने जो स्विफ्ट गाड़ी से आए थे उन्होंने, 3 आदमी थे, फिर एक आदमी चढ़ा मेरा उस सीट में गर्दन दबा दिया और दूसरे आदमी ने उधर से दूसरे तरफ से घूम के पैसे निकाल दिया, निकाल के 2 मिनट में ही सारे निकाल दिया। फिर हमने फिर अपना लाला जी को वहाँ फोन मिलाया हरियाणा में, वो बोले कि पुलिस को फोन करो। फिर हमने तुरंत फिर इनको खुर्जा वाले को फोन किया जहाँ माल खाली करके आ रहा था उनको। तो ये दो जगह का जो पेमेंट बता रहे हो, कुल मिला के कितना पैसा था तुम्हारे पास? कुल मिला के 5 लाख में 8,000 रुपये कम थे। भले ही सूबे की सरकार अपराध पर अंकुश लगाने की बात कर रही हो और भयमुक्त समाज को बनाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन बुलंदशहर में खाकी का खौफ लगातार घटता ही जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में एक के बाद एक 3 लूट की बड़ी वारदातें यहां हुई हैं, जिससे बेहतर पुलिसिंग की कलई खुलती नजर आ रही है। ऐसे में जो व्यवसायी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल पनपने लगा है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी, बुलंदशहर।